Welcome back. We are discussing Plus One Biology, chapter number 14, that is respiration in plants. Our today's topic of discussion is oxidative metabolism of glycolytic NADH plus H plus. Reduced coenzyme NADH produced during glycolysis can be metabolized oxidatively to form ATP molecules only inside the mitochondria. अब glycolysis के दौरान जो NADH2 की production होती है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो सकता है। हाउएवर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमीएबल टू इट, लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो इसके लिए इम्परमीएबल होती है। सो द रिड्यूस्ड कोएंजाइम हैंड ओवर इट्स रिड्यूसिंग पावर टू अनदर कोएंजाइम प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया बाय मीन्स ऑफ स्पेशल केमिकल्स। दीज इंटैक्ट रूट्स आर कॉल्ड एज शटल्स। टू टाइप्स ऑफ शटल सिस्टम ऑपरेट for ATP synthesis from cytoplasmic NADH plus H plus. The first one is malate aspartate system और जो दूसरा है वो है glycerol phosphate shuttle system. तो first of all coming to malate aspartate system. इस system में क्या होता है, अब यहाँ पर ये diagrammatically आपको बताया गया है, ये है cytosol मतलब cytoplasm है और ये mitochondria है। अब क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म में NADH की प्रोडक्शन होती है, हमें मालूम है कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो जो साइटोप्लाज्मिक NADH है यहाँ पर अपने जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सैलोएस्टेट को दे देती है, देन ऑक्सैलोएस्टेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलेट, मैलेट देन एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है मैलेट की, इट फॉर्म्स ऑक्सैलोएस्टेट एंड सिंथेसाइजेस NADH। तो यहाँ पर ये द्वारा फिर रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सैलोएस्टेट फिर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टेट, एस्पार्टेट इज देन ट्रांसपोर्टेड बैक टू साइटोप्लाज्म, एस्पार्टेट यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आकर फिर ऑक्सैलोएस्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये शटल सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहता है। इस प्रकार का जो शटल सिस्टम है वो हार्ट, लीवर और किडनी में पाया जाता है। नाउ सिंस मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम फॉर्म्स NADH इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, तो NADH की जो फॉर्मेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करता है, इसलिए यहाँ पर इस शटल सिस्टम में देर आर थ्री ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन NADH2। साइटोप्लाज्मिक NADH हैंड्स ओवर इट्स हाइड्रोजन टू ऑक्सैलोएस्टेट फॉर्मिंग मैलेट, मैलेट पासेज इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सैलोएस्टेट सिंथेसाइजिंग NADH प्लस H प्लस। द एक्स्ट्रा ऑक्सैलोएस्टेट कम्स आउट एज एस्पार्टेट वेयर इट रीसिंथेसाइजेस ऑक्सैलोएस्टेट टू कंटिन्यू द शटल सिस्टम। द शटल सिस्टम ऑपरेट्स इन हार्ट, लिवर एंड किडनीज। एज मैलेट एस्पार्टेट शटल फॉर्म्स NADH2 इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, the shuttle produces 3 ATP from one reduced coenzyme. तो इस shuttle malate aspartate shuttle system में 3 ATP की production होती है एक NADH2 से। दूसरा है glycerol phosphate shuttle. glycerol phosphate shuttle जो है इसमें क्या होता है, जो dihydroxyacetone 3 phosphate है या dihydroxyacetone phosphate एक ही बात है, ये जो रिड्यूस्ड NADH है वहाँ से रिड्यूसिंग पावर को गेन करके इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरोल फॉस्फेट, ग्लिसरोल फॉस्फेट देन एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। आफ्टर एंटरिंग इनटू माइटोकॉन्ड्रिया ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट हैंड्स ओवर इट्स रिड्यूसिंग पावर टू FAD, देन FAD गेट्स कन्वर्टेड इनटू FADH2 एंड ग्लिसरोल फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट वापस साइटोप्लाज्म में आ जाता है और यहाँ से फिर ये इस शटल सिस्टम को कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर जो NADH है ये साइटोप्लाज्म के बाहर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ही अपनी रिड्यूसिंग पावर को हैंड ओवर कर देता है, इसलिए इस शटल सिस्टम में 2 ATP की प्रोडक्शन होती है। अब शुरू में जब हमने ग्लाइकोलिसिस की बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि उसमें 8 या 6 ATP की प्रोडक्शन होती है, तो अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम ऑपरेट होता है तो वहाँ पर 8 ATP बनेंगे और अगर ग्लिसरोल फॉस्फेट होता है तो 6 ATP की प्रोडक्शन होगी। साइटोसोल NADH प्लस H प्लस हैंड्स ओवर इट्स रिड्यूसिंग पावर टू डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन 3 फॉस्फेट विच इज चेंज इनटू ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट, द लेटर एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया
hands over reducing power to FAD and is changed back to dihydroxyacetone 3-phosphate. Dihydroxyacetone 3-phosphate then comes out of mitochondria to repeat the shuttle. This shuttle system operates in muscles and nerve cells. It produces only 2 ATP molecules from a single NADH plus H plus instead of 3. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.